हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का एक सर्कुलर शेयर करेंगे। इस सर्कुलर द्वारा AIBA ने IDBI बैंक को सपोर्ट किया है। IDBI के सभी एम्प्लॉयज 5 नवंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इस स्ट्राइक में IDBI बैंक द्वारा कुछ डिमांड्स को रखा गया है, जिसमें फर्स्ट डिमांड है स्टॉप आउटसोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन स्टाफ। नेक्स्ट है ज्वाइंट डिफाइंड पेंशन स्कीम, बैंक वेज सेटलमेंट एट पार विद बैंकिंग इंडस्ट्री, रेजुलेशन ऑफ आउटसोर्स एम्प्लॉय इशू। इन सभी डिमांड्स के साथ 5 नवंबर को स्ट्राइक की जाएगी। इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिसमें मेंबर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ गेट मीटिंग्स की जाएंगी। 1 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेमोरेंडम दिया जाएगा और फिर 5 नवंबर को ऑल इंडिया स्ट्राइक की जाएगी। सर्कुलर में बताया गया है कि IDBI बैंक में पिछले 20 ईयर से क्लर्क और सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट ना के बराबर है, जबकि ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एवरेज की जा रही है, जिसके संबंध में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। पिछले 10 साल में मात्र 18 वर्कमैन एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट किए गए हैं, वो भी कंपनशियोनेट बेसिस पर किए गए हैं, जबकि हजारों एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आउटसोर्स से लिया जा चुका है। इन सब के चलते AIBEA IDBI को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है और AIBEA ने एक लेटर IDBI के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी लिखा है, जिसमें यूनियन द्वारा कहा गया है कि वो एंटी वर्कमैन पॉलिसी को वापस ले और सभी वर्कमैन एम्प्लॉयज के लिए एडिक्वेट रिक्रूटमेंट करे। इसके अलावा यूनियन कुछ प्रोग्राम्स में भी IDBI बैंक को सपोर्ट करेगा और 5 नवंबर को स्ट्राइक की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस सर्कुलर में यही सब जानकारी यूनियन द्वारा दी गई थी। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।